नमस्कार दोस्तों, सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, नागार्जुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरद चंद्र चटर्जी पर यह आधारित है और इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा आवारा मसीहा जीवनी में बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी का वर्णन है और इसके तीन भाग हैं। यह तीन भागों में विभाजित की गई है, दिशाहारा, दिशा की खोज दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। यह तीन भागों में विभाजित जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है ऑप्शन बी अमृत राय, या प्रेमचंद जी के पुत्र थे और इन्होंने प्रेमचंद को आधार बनाकर के कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञेय। अज्ञेय जी के द्वारा जीवनी नहीं लिखी गई है, जबकि रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर निराला की साहित्य साधना नाम से जीवनी लिखी है। अमृत राय जो कि प्रेमचंद जी के पुत्र थे, इन्होंने प्रेमचंद पर कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी है और विष्णु प्रभाकर, इन्होंने शरद चंद्र पर जीवनी लिखी है आवारा मसीहा के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, सही जो युग्म सही नहीं है उसका चयन करना है। देखते हैं, हमारी जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज मदोक, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नाहगर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। हमारी जवाहरलाल नेहरू या लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज की जीवनी है, यह बिल्कुल सही है। लोहिया बलराज मधोक की है, यह भी सही है। चैतन्य महाप्रभु या अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। महायोगी शिव प्रसाद सिंह, यह ऑप्शन डी गलत है, इसलिए यहाँ पे सही है। शिव प्रसाद सिंह जी ने महायोगी जीवनी नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाजपत महिमा किस प्रकार की गतिविधियों में है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवनी। लाजपत महिमा यह जीवनी है और इसके लेखक का नाम है महादेव भट्ट। महादेव भट्ट के द्वारा यह जीवनी लिखी गई है। लाजपत महिमा के नाम से अगला प्रश्न है, कलम का मस्तूर किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मदन गोपाल। मदन गोपाल के द्वारा कलम का मजदूर यह प्रेमचंद पर लिखी गई जीवनी है, जबकि उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है? ऑप्शन है आवारा मसीहा,
सपनों का सौदागर, पापी देवता, गुनाहों का देवता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवारा मसीहा। यह विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? एक बार इस प्रश्न को और पढ़ लेते हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? यह निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की जीवनी है, जो कि उनके द्वारा लिखी गई है। अब इसका बताना है कि निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन उन्होंने किस खंड में किया है। ऑप्शन है, निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, राग विराग, निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, सुधा चौहान द्वारा लिखी जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? लक्ष्मी शंकर व्यास, सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अगे। सुधा चौहान जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पुत्री है और मुंशी प्रेमचंद जी की यह पुत्रवधू थी। इन्होंने अपनी माता पर यह जीवनी लिखी थी मिला तेज से तेज शीर्षक से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनकी माता का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। यह इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित के लेखक कौन है? ऑप्शन है, छविनाथ पांडे, बलराज मधु, आनंद प्रकाश जैन, केदारनाथ साहनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित के लेखक का नाम है बलराज मधु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म का चयन करना है, बाबूजी नागार्जुन, जिन्होंने जीना जाना मैथिली सरणगुप्त, आवारा मसीहा सरचन, अग्नि सेतु नजरूम इस्लाम। इसमें ऑप्शन भी गलत है, बाबूजी जो जीवनी है नागार्जुन पर, नागार्जुन की जीवनी है, इसके लेखक है शोभाकांत। यह शोभाकांत के द्वारा नागार्जुन पर लिखी गई जीवनी है बाबूजी नाम से, जिन्होंने जीना जाना यह मैथिली शरण गुप्त की जीवनी नहीं बल्कि यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा यह लिखी गई जीवनी है। आवारा मसीहा जो कि शरद चंद्र की जीवनी है, इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। और अग्नि सेतु नजरूम इस्लाम पर आधारित जीवनी है, इसके लेखक है विष्णु चंद शर्मा ने यह जीवनी लिखी है, जिन्होंने जीना जाना के लेखक है। ऑप्शन है, प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा, हरिशंकर परसाई, जगदीश चंद माथुर, जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक का नाम है ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र माथुर। निराला के जीवन पर तीन खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं। ऑप्शन है, डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा इसका सही उत्तर है। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से तीन खंडों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर जीवनी लिखी है निराला की साहित्य साधना नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है, शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णु चंद शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। यह जीवनी लेखक नहीं है बल्कि निबंधकार और व्यंग्यकार थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? राधा कृष्ण दास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र यह जीवनी 1948 में लिखी गई थी।
और यह लिखी गई है रसरत्न दास जी के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेरनाथ रॉय। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। ऑप्शन बी मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनी कार्ड नहीं है। ऑप्शन है अमृत राय, हंसराज रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हंसराज रहबर ने प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखी है, जबकि अमृत राय ने इनकी जीवनी लिखी है कलम का सिपाही नाम से। शिवरानी ने देवी जो कि इनकी पत्नी थी इन्होंने लिखी है प्रेमचंद घर में इस नाम से। और मदन गोपाल ने लिखी है कलम का मजदूर नाम से। अगला प्रश्न है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। ऑप्शन है कमलेश्वर, अमृतलाल नागर, अमृत राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमृतलाल नागर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई जीवनी है और इसके लेखक का नाम है कुमुद नागर। कुमुद नागर के द्वारा यह लिखी गई जीवनी है, अमृतलाल नागर पर आधारित है। इसका अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित जीवनी पर कृतियों में से कौन सी कृति रोमालोला की है। यह यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। इसमें से जो कृति रोमालोला की है उसका नाम है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जबकि बापू की झांकियां काका कालेलकर के द्वारा लिखी गई जीवनी है, बापू घनश्याम दास बिरला के द्वारा लिखी गई जीवनी है और अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आज के हमारे जीवनी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।